गाइज, आप सभी के लिए बहुत सारी खुशखबरी। जैसे कि हमने आप सभी से वादा किया था कि आपको गाड़ी रिलीज होने से पहले, लॉन्च होने से पहले हम आपके लिए गाड़ी का ओरिजिनल वीडियो लेकर के आ जाएंगे, तो हम आपके लिए ओरिजिनल वीडियो लेकर के आ गए हैं। और आप सामने देख पा रहे होंगे बलेनो 2022 का जो अल्फा मॉडल है, टॉपेस्ट मॉडल है, वो आपके सामने है और ये इस वक्त यहाँ पे शोरूम में खड़ा है। आप खुद देख सकते हो गाड़ी का किस तरह से क्या इन्होंने लुक वगैरह चेंज किए हैं। साथ ही ये कल के डेट में लॉन्च होने वाली है, तो उससे पहले हम आपके सामने पूरा कंप्लीट वीडियो लेकर के आए हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे टॉप बात ये आ जाती है कि इस गाड़ी में काफ़ी कुछ बदलाव किया है, पहले की जो गाड़ी थी और इसमें काफ़ी कुछ बदलाव इन्होंने किया है। साइड में से देखा तो साइड में कुछ इस तरह से लुक रहेगा। साथ ही इनके जो अलॉय व्हील वगैरह है वो R16 के रहेंगे, 16 इंची के रहेंगे, तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है, हल्का फुल्का चेंज किया है। पीछे की तरफ टेल लाइट्स वगैरह में काफ़ी कुछ किया है। लेकिन आपको लगता है कि जो टेल लाइट्स वगैरह है ये हल्की सी डिग्गी में घुसी हुई है, मतलब तो अंदर की तरफ है, तो वो ओरिजिनल नहीं है, वो डमी प्रोडक्ट है, मतलब डमी है एक तरह से। बाकी आप साइड में से इसको देख सकते हो तो किस तरह से इतनी गजब की लुकिंग मिल जाती है। अंदर की तरफ आप देखते हो तो अंदर आपको उठा हुआ इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। फ्रंट में से आप देखते हो तो इसकी ग्रिल और इसके जो DRL वगैरह बहुत प्यारे लग रहे हैं। और हम इसके जो साइड में कोर डोर हैंडल्स पे देखें तो बिल्कुल सिल्वर फिनिशिंग के साथ में आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा हम आप इसके बात करें तो जो शीशे वगैरह है, जो इसके मिरर वगैरह, वो तो ऑलरेडी पहले की जो गाड़ी थी उसके जैसे ही है। इसमें 360 आपको कैमरा भी मिल जाता है। उसके अलावा इसमें जो बेलनों की बेजिंग है वो भी, इसका फ्रंट वगैरह इन्होंने बदल दिया है, तो काफ़ी कुछ अलग देखने को मिल जाता है। साथ ही इसके जो पीछे की तरफ जो आपको लोअर वेरियंट से लेकर के हाइस्ट वेरियंट तक, सभी लो वेरियंट्स में आपको जो पीछे की तरफ जो डाइपर, मतलब पीछे की तरफ जो वाइपर वगैरह है, वो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। एक कमी इन्होंने हल्की सी ये कर दी, जो इससे डिफ वगैरह पीछे की तरफ जो रिफ्लेक्टर है उनको हल्का फुल्का ऊंचा कर दिया, थोड़ा नीचे की तरफ रख देते तो थोड़ा और बेहतर लगता है। बाकी ये तो नॉर्मली वीडियो है, अगर आप इसको शोरूम में देखोगे तो हो सकता है कि आपको गाड़ी प्यारी लगे। स्टार्टिंग में जो गाड़ी आई थी वो भी धीरे धीरे लगी नहीं थी अच्छी, लेकिन अब धीरे धीरे कई लोगों को पसंद आएगी और कई लोगों को नहीं, धीरे धीरे आपको ये गाड़ी अच्छी लगने लगेगी, पसंद आने लगेगी। फिलहाल आपके सामने है ब्लू कलर का जो कलर, और आपके इसमें 6-7 कलर आपको मिल जाएंगे अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग चीज़ों के साथ में। तो आप अगर इसमें जो कलर आपको पसंद आएगा वो लेना चाह रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप अभी आज ही बुक करवा दीजिए। आपके नियर शोरूम में, जो नक्शे शोरूम में जाकर के आप वहाँ से इसको बुक करवा सकते हो। और उम्मीद है कि आपको गाड़ी जैसे आज बुक करवाते 2-4 दिन में मतलब मिल जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी, तो उस हिसाब से बेहतरीन गाड़ी आपके लिए निकल करके आने वाली है। और कैसा क्या आपको ये लगी गाड़ी कमेंट करके बताइए। साथ ही कल की डेट में जैसे रिलीज होगी तो हमको तुरंत की तुरंत ओरिजिनल वीडियो हम आपके लिए और लेकर के आने वाले हैं कंप्लीट तरीके से। तो गाइस, यही कुछ वीडियो था, यही अपना प्यार और प्रेम इस तरह से बनाए रखे, हम आपके लिए बेहतरीन गाड़ी लेकर के आने वाले हैं जो कि बेहतरीन प्रोडक्ट्स के साथ में। आपको ये मान देखा जाए तो स्विफ्ट वगैरह से तो काफ़ी एडवांस गाड़ी इन्होंने दी है, क्योंकि इसके जो फंक्शन वगैरह है सेफ्टी को लेकर के काफ़ी कुछ इन्होंने काफ़ी ध्यान रखा गया है। साथ ही इसके अंदर कीलेस एंट्री आपको जीटा मॉडल में और अल्फा मॉडल में मिल जाती है। उसके अलावा अगर आप बेस वेरियंट लेते हो तो इन्होंने बेस वेरियंट में आपको 6 एयरबैग नहीं मिल करके आपको जीटा और अल्फा में 6 एयरबैग मिलेंगे। बाकी 1 अक्टूबर से कंपलसरी कर ही रही है गवर्नमेंट कि सभी में 6 एयरबैग होने जरूरी है, तो वही उस हिसाब से आपको सेफ्टी में भी कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि बलेनो गाड़ी है ना, जो अब मारुति ने काफ़ी कुछ सुधार अपने आप में कर रही है।